हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, अच्छी खासी ठीक हूँ, आप लोग देख रहे हो। तो चलिए, मैं हैंकी टॉक करती हूँ नहाने के बाद। और मैं मतलब सिंपल सा मैं मॉडर्न टॉक करती हूँ, मॉडर्न स्टाइल हैंकी टॉक करती हूँ। और मुझे काम करना है, सोचती हूँ आज मेरा अभी तो हस्बैंड है तो फैन को सफाई करूँगी आज। तो देखिए मेरा इयर रिंग्स कैसा लग रहा है। मैं पहनती नहीं हूँ और मैं सोच रही हूँ ना जो नेल पेंट भी उसको भी रिमूवर से रिमूव करूँगी। चलिए मैं क्या क्या करती हूँ आगे दिखाती हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए बेडशीट को ऐसे झाड़ के रख दिया था, उसको पकाने को भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बेड पर लगाने को भी टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत बिजी है। ससुर जी का काम, हस्बैंड रहते फिर भी मुझे करना पड़ता है ना, इसीलिए उनको पता नहीं। तो उनका काम ख़त्म करके जो नहाना पीना, नहाना धोना और मतलब उनको ससुर जी को नाश्ता देना, सब कुछ करना पड़ता है ना, इसलिए उसको थोड़ा मुझे टाइम मिलता जॉब तब में। और जो बेडशीट को भी लगा दिया बिस्तर पर और बेड पर, कभी कभी बेटी भी लगा देती है, लेकिन आज थोड़ा बेटी भी बिजी है, कुछ काम है उसको तो नहीं लगाई थी, तो मैं लगा दी। तो बेडशीट को ऐसे ही मैं लगा दी थी। चलिए पेंट को तो मैं साफ़ की थी, उसको पेंट को साफ़ की थी, जींस पेंट तो मतलब वो तो कल बारिश भी हो रहा था ना, उसको मैं बाहर जो धूप में दे देती हूँ, सूख जाएगा। कितना धूप है मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत धूप भी है बाहर, देखिए इतना जोर से बारिश हुआ तो पपीता का पेड़ भी गिर गया, वो मतलब बहुत पपीता हुआ था एकदम से। देखिए कितना खाओगे। और देखिए मेरा भिंडी का पौधा को भी कैसे दबा दिया, ये कौन सा फूल है बताइए, आप लोग को पता है तो बताइएगा ये कौन सा फूल है। मुझे तो पता है लेकिन आप लोग को पता है तो बताइए। चलिए मैं गेहूं को भी दूंगी, और भी है, हम टिफिन कर लेते हैं पहले। हम पहले टिफिन गेहूं को सुखा के जो मैं धूप में दे दिया ना, सुखा दिया, उसके बाद मैं कॉटन को, चलो आज थोड़ा धूप निकल रहा है तो उसके लिए मैं कॉटन को इकट्ठे कर रही थी और उसको साफ़ करने के लिए मैं सब पर्दे को मैं खोल रही थी। तो कॉटन को खोल के मैं
बाहर लेके जा रही हूँ। आज बाथरूम में नहीं करूँगी मैं, और जो हमारा पटका है वहाँ मैं पाइप लगा के करूँगी। और जो मतलब मैं तो नहा लिया था और किचन का भी काम हो गया था। किचन का काम होने के बाद हस्बैंड भी है ना, मुझे थोड़ा फुर्सत मिला तो मैं उसको कॉटन को साफ कर रही हूँ। तो बाहर में ऐसे में जो हमारा पटिका है वहाँ टब में पानी में निकल कर वहाँ सब डालकर मैं उसको साफ कर रही हूँ। जल्दी से हो जाएगा। बाहर साफ करके मैं ऊपर मतलब हाथ से करूँगी तो जल्दी से हो जाएगा, लेकिन अभी वॉशिंग मशीन के मतलब वॉशिंग मशीन में मैं दूंगी तो टाइम लगेगा, इसीलिए जल्दी से हाथ में धो के मुझे 10-15 मिनट के अंदर ही मैं मुरह हो गया था। वॉशिंग मशीन में देती तो थोड़ा लेट हो जाता, मिनिमम आधा आधा 1 घंटा हो जाता। उस टाइम में मेरा साफ करके मतलब ज़्यादा कुछ तो मेला नहीं था, धूल मिट्टी धूल नहीं था या मेला भी नहीं था, इसीलिए छोटे बच्चे होते तो मेला होता, लेकिन तो हम सब बड़े बड़े हैं तो कहाँ मेला होगा। इसलिए मैं हाथ से ही 10-15 मिनट में उसको साफ कर रही थी। साफ करके उसको मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, जो कंबल फंबल होता तो हैवी होता तो उसको मैं ज़्यादा गीला भी होना नहीं पड़ा, उसको मैं बाहर में ही ऐसे साफ कर रही थी। और देखिए अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, वॉइस ओवर देने के टाइम इतना बारिश हो रहा है, मैं साफ कर रही थी तो हस्बैंड आए बोले अरे इतना धूप निकला तो साफ नहीं किया, अभी क्यों साफ कर रही हो। तो उस दिन का कभी कभी मुझे इधर उधर का टाइम हो जाता है ना, नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा आज मुझे जो फंका मिला ना, मतलब मैं फ्री थी तो मैं साफ कर दी। कल तो मैं चले गई थी सब सब के आने के बाद किचन का काम, कभी कभी लेट हो जाता है। आज मुझे थोड़ा जल्दी काम ख़त्म हो गया तो मैं कॉटन को साफ कर रही थी। कभी जो ससुर जी का काम करती हूँ ना, ससुर जी जब लेट में जाते हैं ना, मतलब उनका काम उनकी रूम को तो 4-5 बार ऐसे साफ नहीं करोगे, ऐसे प्लेन साफ करोगे, उसके बाद लेजर फेजर डाल के साफ करोगे, मतलब 5 बार पोछा नहीं मारोगे तो नहीं होगा। मैं उस टाइम का वीडियो तो पहले बनाई थी, बहुत बार मैं बनाई हूँ। तो लेट हो जाता है, आज जल्दी से काम ख़त्म हो गया तो पैर से भी देखिए मैं दे दिया, तो जो धूल मिट्टी वो तो साफ हो जाएगा, पैर से भी कर दिया। और ससुर जी का काम ख़त्म करके नहा धो के मैं तो पहले सब्जी काट लेती हूँ, सुबह से सब्जी काट देती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे से मैं किचन का काम करती हूँ। पूजा नहाने के बाद पूजा होता है और उसके बाद सारे काम कर लेती हूँ। ससुर जी को सुबह सुबह मतलब बुढ़ापे हैं अभी, तो उनको ज़्यादा जल्दी से टिफिन भी देना पड़ता है ना, नाश्ता भी जल्दी से देना पड़ता है, सब कुछ करके सब करोगे ना नहीं होता है, इसीलिए हस्बैंड हैं तो मुझे सब काम याद आ जाता है, सब कर लेती हूँ। देखिए मैं साफ कर लिया, साफ करने के बाद उसको मैं अभी धो रही हूँ, कितनी जल्दी हो गया ना, बहुत जल्दी हो गया। और मैं फैन को भी साफ कर रही थी लेकिन मुझे आलस आया तो आज से फैन को नहीं साफ किया, देखती हूँ दूसरे दिन कब करती हूँ या कल करूँगी, पता नहीं, मुझे जब मेरा टाइम होगा मैं कर लूँगी। लेडीज़ को एडजस्ट करके सब करना पड़ता है, कब क्या करना पड़ता है एकदम से याद आता है कर लेती हूँ, ऐसे मेरा होता है। और जब मैं हस्बैंड नहीं रहते ना, मुझे टाइम भी नहीं मिलता है तो नहीं कर पाती हूँ। कुछ भी खाने का मन करता है करने का, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे कुछ नहीं कर मैं कर नहीं पाती हूँ। और भी हस्बैंड है ना, थोड़ा बहुत काम मेरा हो गया और कॉटन को भी धो लिया, बहुत दिनों से सच में 1 महीना हो गया मेरा कॉटन नहीं धोई थी। आप लोग हंसोगे, सच में 1 महीना हो गया कॉटन नहीं धोई थी। तो कॉटन को भी मैं साफ कर लिया, और जो चेयर है चेयर के ऊपर दूंगी तो वो जो पानी भी गिर जाएगा तो वो तो सिल्क टाइप का या कुछ कॉटन टाइप का नहीं है ना, तो पानी अच्छे से गिर जाएगा, तो इसीलिए मैं चेयर के ऊपर रख दी और धो के उसको रख दूंगी तो पानी थोड़ा गिर जाएगा और जल्दी से सूख जाएगा। धूप भी निकल रहा है, लेकिन आज दिन भर ना धूप निकल बहुत ज़ोर से धूप आई थी, और अभी शाम को
मतलब रात को बारिश हो रहा है यहाँ, बोलते हैं कल 20 तारीख, सॉरी कल 30 तारीख है ना, नहीं 29 तारीख, हमारी यहाँ ना जो लघुचाप हुआ है ऐसे बोलते थे, रविवार को बारिश होना था लेकिन आज शनिवार के दिन भी बहुत बारिश, आहा गिर गया देखिए। मतलब कुछ भी काम करोगे ऐसे गिर जाता है ना, बिजी से काम करोगे ऐसा गिर जाता है। मतलब डबल काम करना पड़ता है, बहुत बार मेरे साथ हुआ है, कभी मैं ऐसे धो के रखती तो गिर जाता है, ऐसे फिर से धो उसको, धो के उठाओ तो उसको मैं अच्छी तरह से धो लिया। हमको टाइम शॉर्टेज की वजह से हाथ से हम नहीं धो पाते हैं, लेकिन हाथ से धोते हैं ना अच्छी तरह से होता है और साफ सफाई भी हो जाता है। तो हो गया मेरा धोना, उसके बाद मैं उसको झाड़ू लगा दिया पानी को, पानी होगा तो गिर जाएगा ना, इसीलिए उसको धूप धूप निकला, मैं नीचे ही तार बंधा हुआ है वहाँ लेके मैं सुखा रही थी, और जो हमारे टेरिस के ऊपर मैंने ही सुखाई उसको यहाँ भी मैं दे दिया, और वो तो सूख गया, बहुत जल्दी ही सूख गया। और हस्बैंड का पेंट ना काल में धोया था, धोई थी, वो जो जीन्स पेंट है ना, जीन्स पेंट बहुत लेट लगता है सूखने में, तो उसको भी मैं सुखा दिया। ओके मैं अभी थक गई और कुछ नहीं, वीडियो ज़्यादा बना पाऊँगी, किचन का तो काम ख़त्म मैं कर दिया, आपको मैं नहीं दिखाई बार बार क्यों किचन के काम दिखाऊँगी, इसलिए नहीं दिखाई। तो मैं मेरा कॉटन को मैं धो लिया, बहुत दिनों से धोने वाली थी, मैं वॉशिंग मशीन नहीं पकाई, वो भी तो धूप निकला था, तो मैं काम ख़त्म करके, हस्बैंड भी है ना इसलिए काम ख़त्म करके मैं उसको धो के धूप में दे दिया। चलिए अभी मैं रखती हूँ, फिर न्यू ब्लॉग के साथ मिलूँगी आप लोग के साथ। ओके बाय बाय।